महाराष्ट्र में नई सरकार बन गई, कैबिनेट का थोड़ा बहुत विस्तार भी हो गया, और जब कैबिनेट का विस्तार होता है तो इसके साथ विभागों के बंटवारे के बाद समझ में आता है कि क्या सरकार की दशा और दिशा होने वाली है। लेकिन जब यही सरकार गठबंधन की हो तो उसमें तय किया जाता है कि कौन सा दल सबसे ज़्यादा प्रभावी यानी कि सबसे ज़्यादा ताकतवर है। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। महाराष्ट्र में एक तरफ शिवसेना से टूट करके आए एकनाथ शिंदे हैं, दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस हैं, और जिस तरीके से विभागों का बंटवारा हुआ तो सीएम पद जो है वो देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को दे दिया, लेकिन प्रभावशाली विभाग जो हैं मंत्रियों के वो अपने पास रख लिए। ऐसे में सवाल उठना वाजिब सी बात है कि क्या एकनाथ शिंदे पर देवेंद्र फडणवीस भारी पड़ रहे हैं, यानी कि जिस तरीके से उन्होंने इस पूरी सरकार का गठन किया और पूरे घटनाक्रमों को अगर आप देखें तो एक चीज़ तो है कि फैसले यानी कि बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए इस पर किया हमने सबसे बड़ा पोल और सबसे बड़े पोल में सबसे चौंकाने वाले नतीजे, और पोल के जरिए जनता ने दिया भारी संख्या में अपना वोट, और वोट के जरिए बताया कि क्या है वास्तव में महाराष्ट्र की सियासत। इस पूरे पोल में एक चीज साफ हो जाती है कि 83% लोगों ने बोला है कि हाँ एकनाथ शिंदे पर देवेंद्र फडणवीस भारी पड़ रहे हैं, वहीं पर 17% लोगों का मानना है नहीं, देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे पर भारी नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन बहुमत जो है 83% अगर लोग ये मानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो एकनाथ शिंदे पर भारी पड़ रहे हैं तो बहुमत ही सही माना जाता है, क्योंकि सरकारें भी बहुमत से ही चलती हैं और बहुमत में ही सब कुछ समाया हुआ है। तो भारी संख्या में लोगों का मानना है कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो एकनाथ शिंदे पर भारी हैं। चूँकि मुख्यमंत्री बन गए आप, लेकिन मुख्यमंत्री का प्रभाव और वर्चस्व तब होता है जब आपके पास शक्तिशाली मंत्री हो जिनके जरिए आप राज्य में किसी भी प्रकार के फैसले ले सकते हैं, अपने घटनाक्रमों का क्रियान्वयन करा सकते हैं, अपने घटनाक्रमों को अच्छे तरीके से अंजाम दे सकते हैं, अपने फैसले ले सकते हैं। लेकिन जब गठबंधन की सरकार होती है और इस तरीके के गठबंधन हुए और उसमें प्रभावशाली मंत्री किसी और गुट में रहते हों तो फिर आपको एक कठपुतली की तरह माना जाएगा। और यही चीज था कि विपक्षी दलों ने जब जिस तरीके से विभागों का बंटवारा हुआ तो विपक्षी दलों ने भी एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि उनको मुख्यमंत्री पद तो मिल गया, नाम मुख्यमंत्री का जरूर है, लेकिन वो कठपुतली बन करके रह गए। यानी कि अब जिसके पास प्रभावशाली विभाग होंगे वही मुख्यमंत्री से अपना काम करा सकता है, उसके पास पावर अलग से है तो वो अलग तरीके से काम कराएंगे। अब यही कारण है कि इस पोल में भी आम जनता ने मुहर लगा दिया है कि हाँ देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो एकनाथ शिंदे पर भारी हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दिल दिखाते हुए उनको एकनाथ शिंदे को सीएम तो बना दिया, लेकिन सीएम के साथ साथ अब वो पावर विहीन हो गए। जिस तरीके से प्रभावशाली जो पावर होते जैसे गृह मंत्रालय हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, ऐसे जो पावर होते पीडब्ल्यूडी मंत्रालय हो गया या फिर खनन से माइनिंग विभाग से जुड़े मंत्रालय हो गए, इनमें पैसे भी ज़्यादा हैं, पावर भी ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है जब ऐसे मंत्रालय बंट जाते हैं तो फिर जो सीएम बन भी आप जाइए तो फिर आपके लिए सिर्फ नाम का रह जाता है, फिर आप उतने पावरफुल नहीं माने जाते हैं। अब यही चीज़ हुआ यहाँ पर, और इस बात का कयास जो है वो तमाम राजनीतिक विश्लेषक, तमाम राजनीतिक एक्सपर्ट और सबको कयास था कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को बड़ा दिल दिखाते हुए ये दिखाया कि हाँ हम बड़े भाई की भूमिका में और हम अपने आप से समझौता करते हुए सीएम पद जो है वो एकनाथ शिंदे को दे देते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद मिलने के साथ साथ उनके पास जो प्रभावशाली मंत्रालय हैं वो नहीं मिले हैं, मंत्रालय का आज जो है बंटवारा भी हो गया है, और उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि तस्वीरें, इस पर हमने विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार की है, आप उसको भी देख सकते हैं, और जिस तरीके से ये रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से भी यह है कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो अब एक कठपुतली बन गए हैं। ये बात हमारे दर्शक भी कर रहे थे, आम विपक्षी नेता भी करा, सभी लोग कह रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।